अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? सब ठीक हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, हमारा मास्टर केज बहुत ही गंदा हुआ पड़ा है। काफ़ी दिन हो गए थे मैंने मास्टर केज को टाइम नहीं दिया था, तो आज मैं ऊपर आया तो मुझे लगा कि यार आज मास्टर केज की सफाई करनी चाहिए। पौधे सारे के सारे हमारे ख़राब हुए पड़े हैं दोस्तों। एक तो पौधों की ग्रोथ नहीं हो रही यार, मैं कितना दिल से लाया था ये सारे के सारे पौधे, लेकिन दोस्तों ना मनी प्लांट की ग्रोथ हुई, ना हमारा ये एरोकेरिया बड़ा हुआ, और ना हमारा और कौन सा था परिंदा, ये गुलेचीन, जिसकी मुझे बहुत ही ज़्यादा उम्मीद थी कि जल्दी से ये बड़ा हो जाएगा और हमारे मास्टर केज में एक दरख्त पैदा हो जाएगा, लेकिन यार ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अभी दोस्तों हम करते हैं मास्टर केज की सफाई। बहुत ज़्यादा गंदा हुआ पड़ा है, हर तरफ परिंदों का गंद है सारा, और सारा का सारा गंदगी फैली हुई है। तो चलें दोस्तों, मैं सबसे पहले करता हूँ अपने मास्टर केज की सफाई। तो यार सफाई भी होगी और मैंने सारे पौधों को पानी भी दे दिया है। इतना ज़्यादा यार गंदगी थी और मेरे बेचारे पौधे बहुत ही ज़्यादा प्यासे थे, तो सबको पानी हो गया दोस्तों। और इस टाइम दोस्तों मास्टर केज में एक प्यारी प्यारी सी खुशबू आ रही है। जब मट्टी के ऊपर दोस्तों पानी आता है तो आपको पता है एक मज़ेदार सी महक आती है, वही अभी हमारे मास्टर केज में सारे के सारे फैली हुई है। तो खैर दोस्तों, काम तो हो गया, थोड़ा सा मैं थक भी गया हूँ, तो अभी थोड़ा सा मुझे करना है सुकून। आपको पता है दोस्तों, हमारे डव का बच्चा सही से यार ग्रोथ नहीं कर रहा, क्योंकि वो बच्चा एक कबूतर का बच्चा है और उसको पालने वाली एक फाख्ता है। मैं जो सोच रहा हूँ दोस्तों कि ये जो डव का बच्चा है, मतलब ये जो कबूतर का बच्चा है, इसको आज हम यहाँ से उठाते हैं और इस बच्चे को अपने बाप के पास लेके जाते हैं। अगर दोस्तों वो बाप इसको पहचान लेगा तो मैं क्या करूँगा, रोज़ाना इस बच्चे को एक दफ़ा उसके पास छोड़ूंगा ताकि वो इस बच्चे को फीड करा पाए, और वो भी डिस्टर्ब ना हो दोस्तों, क्योंकि उनके ऑलरेडी दो बच्चे हैं उधर। तीसरा बच्चा अगर मैं वहाँ पर परमानेंट रख दूंगा तो वो अपने बच्चों को सही से नहीं पाल पाएंगे, मतलब तीनों की सही से केयर नहीं हो पाएगी। तो ये देखें दोस्तों, ये है बच्चा हमारे उस कबूतर का जो एक डव पाल रही है, और इसका साइज़ देखें आप, डव का साइज़ भी आपने देखा हुआ है, डव से ये तकरीबन बड़ा हो रहा है, और डव बेचारी हल्की सी छोटी सी है, तो पालने में थोड़ा सा मुश्किल हो रही है क्योंकि इसका थैला मोटा होता जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है, बेचारी बहुत ज़्यादा तंग होती है। तो अभी दोस्तों चलते हैं हम बाहर, इस बच्चे को दिखाते हैं इसके बाप को और देखते हैं कि ये बाप जो था इसका, इसको पहचानता है या नहीं पहचानता। चलें दोस्तों आ जाएं। और एक चीज़ और भी दोस्तों मैं आपको बता दूँ, खैर वो मैं बाद में बताऊँगा आपको, आ जाएं। तो ये दोस्तों हमारा डव का बच्चा आ गया बाहर, पहली दफ़ा ये हवा खा रहा है दोस्तों बाहर की, और इसने मेरा आज खराब कर दिया सारा यार। चलें दोस्तों, हम रखते हैं इसको यहाँ पर, और वो देखें वो बैठा हुआ है इसका बाप दोस्तों, आ जाए आ जाए, वो देखें वो छत के ऊपर बैठा हुआ है, ये देखें दोस्तों ये सामने है, इसका बाप है दोस्तों इस बच्चे का, लेकिन ये फर्स्ट टाइम अपने बच्चे को देखेगा। बस अब क्या कहें, पता नहीं ये पहचान पा रहा है नहीं पहचान पा रहा है। दोस्तों मैं यहाँ पर रख रहा हूँ इस डरबे के ऊपर, और सामने देखते हैं कि वो इसको देख कर आते हैं या नहीं आते। वो आ जाए दोस्तों, हम इधर साइड पर कोने में ठहर जाते हैं, और ऊपर देखें वो छत के ऊपर उसका बाप बैठा है और उसकी स्टेप मदर बैठी हुई है, वो देखें। हम छुप जाते हैं, छुप जाते हैं, तो हम दोस्तों अब कोने में छुप गए। मेरे ख्याल में कंफ्यूज हो गए हैं कि हमारा अपना बच्चा तो नहीं है वो वाला जो अंदर बैठे हैं। वो देखिए दोस्तों,
बच्चे को देख के उसका बाप और उसकी स्टेप मदर नीचे उतर गए हैं। अब मुझे जो लगता है यार, ये इसके पास आएंगे, हम थोड़ा सा अब साइड पर हो जाते हैं क्योंकि हम बच्चे के बिल्कुल करीब बैठे हुए हैं, हम थोड़ा दूर हो जाते हैं। चलो यार उठो यहाँ से, उठो। ये देखें दोस्तों, ये बच्चा और ये उसका बाप। बच्चे को यार नहीं देखा मैं, इसका बच्चा यहाँ से उठाता हूँ और इसको यहाँ रखता हूँ। यार कबूतर ने देख तो लिया है लेकिन वो बच्चे के पास आ नहीं रहा, तो मैं दोबारा कोशिश करता हूँ कि शायद ये पहचान ले और इसको फीड करा ले, तो मैं वापस इसके पास ही रखता हूँ इस बच्चे को। उसके पास जा रहे हैं माशाल्लाह। मेरे ख्याल में यार ये अपने बच्चे को फीड कराएगा, लेकिन बच्चा भाग रहा है। लेकिन बच्चा दोस्तों भाग रहा है क्योंकि उसने पैदा होते ही डव को देखा था और इसके लिए ये कबूतर एक नई चीज़ है, तो इस वजह से वो घबरा के कोने में चला गया है। यार देखिए माँ भी जा रही है दोस्तों, माँ भी जा रही है, सोतेली माँ। हाँ मैंने समझा था कि शायद बाप इसको मारेगा, भगाएगा इसको, लेकिन बाप उसके पास आ रहा है यार। लेकिन बच्चा बाप से डर रहा है, तो मैं जो सोच रहा हूँ, देखिए अभी भी जा रहा है। तो यूं करते हैं दोस्तों, हम जो इनके असल बच्चे हैं वो भी हम इधर रखते हैं, और जब ये अपने बच्चों को, असल बच्चों को फीड कराएंगे तो शायद ये बच्चा देखे और ये भी फीड मांगने लग जाए। तो ये ट्रिक आजमाते हैं हम दोस्तों। आ जाओ, इनका भाई है यार वो, आ जाओ छोटा भाई है, छोटा भाई। तो ये हम दोस्तों बच्चा उठाते हैं और यहाँ पर रख देते हैं और सारे कबूतर इधर आ जाएंगे। तो माशाल्लाह दोस्तों देखिए, माँ बाप अपने बच्चों के पास आ गए हैं। देखें दोस्तों माशाल्लाह, ये तो अपना हो गया इनका असल बच्चा यार। लेकिन 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 वो देखें डब का बच्चा दोस्तों उधर ही बैठा हुआ है, वो बाहर नहीं आया। तो ये बेचारा कबूतर को पहचानने में तो नाकाम रहा है, लेकिन बाप को अट्रैक्शन हो रही है, बच्चे को फीड देने की कोशिश वो कर रहा था लेकिन बच्चा भाग रहा था। तो फिलहाल दोस्तों ये बिल्कुल ऐसा नहीं मुमकिन कि हम इस बच्चे को रोज़ाना बाहर छोड़ें और ये बाप इसको फीड कराए, तो ये ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसको हम वापस इसकी जगह पर रख देते हैं और चलते हैं हम दोस्तों बाहर। आपको एक चीज़ दोस्तों दिखानी थी, हमारी दार्जी के बच्चों ने दोस्तों आज दूसरा अंडा भी दे दिया है और माशाल्लाह से फिर से इन्होंने वही हैंगिंग नेस्ट चुना है। तो ये देखें दो अंडे हो गए इनकी, ठीक है, और बस दुआ की जगह यार इस बार ये अपने बच्चे पाल लें। ये देखें दोस्तों, ये हमारी एक जेबरा फिंच यहाँ पर नेस्टिंग कर रही है। कल तो बहुत ही छोटा सा नेस्ट था लेकिन आज ये फुल कवर कर लिया इसने। वो देखें दोस्तों, माँ अपने बच्चे को खाना खिला रही है माशाल्लाह, बहुत ही यार क्यूट मोमेंट है ये माशाल्लाह। दोस्तों ये देखें काफ़ी दिन के इकट्ठे क्यों हैं इन्होंने, बहुत ही ज़्यादा। बस यार जल्दी से ये हमारे कबूतर अंडे भी दे देंगे माशाल्लाह। तो चलें दोस्तों इनको बाहर हम आने देते हैं। बस ये थी दोस्तों आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। मास्टर केज में बहुत ज़्यादा कचरा हो गया था, वो भी साफ़ हो गया, पानी भी दे दिया है, और डव का बच्चा भी हम बाहर लेकर आए हैं। देखा है कि बच्चा बाप को पहचानता है या बाप बच्चे को पहचानता है, तो बाप तो बच्चे को पहचान रहा था लेकिन बच्चा भाग रहा था डर की वजह से। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आया दोस्तों लाइक लाजमी कर दीजिएगा और मेरे चैनल शहर में ज्यादा को सब्सक्राइब भी लाजमी कर दीजिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह कल दोस्तों एक नए टॉपिक के साथ, कल एक नई वीडियो के साथ। अभी के लिए इजाजत दीजिए दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।